अगर आपको भी लगता है टाइटन सिर्फ घड़ियां बेचती है तो बड़े भोले हो आप। टाइटन भाई साहब वो कंपनी है जिसने पिछले 22 सालों में 61,000% रिटर्न दिया है। इसमें अगर 22 साल पहले 1,00,000 रुपए लगाया होता ना तो अभी होते 6 करोड़ रुपए। ये सिर्फ घड़ियां नहीं बेचती, ये चश्मे भी बेचती है, टाइटन आई प्लस परफ्यूम भी बेचती है, स्किन, ये ज्वेलरी भी बेचती है, तनिष्क, और भाई साहब फास्ट ट्रैक भी इसी का है। तनिष्क पे तो डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जाके अभी के अभी देख लो। और इसके अलावा जो बाकी ब्रांड पे बात करनी है, टाइटन की घड़ी वाले ब्रांड को समझना है तो ये वीडियो अंत तक देखना। कि भाई साहब टाइटन उस मार्केट में एंटर हुई जब HMT एक सरकारी कंपनी थी और मार्केट पे उसका 90% कब्जा था, तो फिर ऐसे मार्केट में टाइटन गई क्यों, और गई तो लड़ी कैसे, और लड़ी तो फिर जीती कैसे। आज की वीडियो में सेल्स कैसे बढ़ाएं, मार्केटिंग कैसे करें। तो जिंदगी में अगर आपकी रिटेल की एक दुकान हो, या रिटेल की दुकान पे आप जाते हो, या आपका रिटेल के धंधे को समझने का मानस हो, तो इस वीडियो से बढ़िया ब्रह्मास्त्र वीडियो आपके लिए हो नहीं सकता। ये वीडियो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि भैया कस्टमर को कैसे राजी किया जाता है, सेल कैसे बढ़ाई जाती है, मार्केटिंग कैसे की जाती है। और इस वीडियो के अंत में एक शानदार वाला सरप्राइज भी है, मैं दूंगा आपको 1,000 रुपए के फ्री अमेजन के स्टॉक्स, तो वीडियो अंत तक देखना। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत, उस समय के वॉच के मार्केट को समझते हैं। अगर आपको घड़ी लेनी है आपके पास 3 ऑप्शन है, लोकल लेनी है, किसी की भी ले लो, छोटे मोटे बहुत सारे अनऑर्गेनाइज ब्रांड है। आपने कहा ना भैया ब्रांड में जाना है, तो भैया अगर ब्रांड में जाना है तो उस समय कोई बड़ा ब्रांड इंडिया में था ही नहीं, या तो किसी यार दोस्त को बोलो कि विदेश से कोई भेज दे, या सेकेंड हैंड मार्केट में ले लो। आप बोले नहीं सब प्रीमियम ही चाहिए, इंडिया का ही चाहिए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है HMT। HMT सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू की थी, नेहरू जी ने बड़े प्यार से जापानीज वॉचमेकर जो है सिटीजन उसके साथ मिलकर कंपनी चालू की थी। और इसकी जो पहली घड़ी बनी थी जनता नाम से, आपको याद होगा अगर आप पुराने जमाने के हैं मेरे जैसे, तो आपके घर में भी जनता की एक घड़ी लगी होगी। अब जब इंडियन प्रीमियम ब्रांड की बात की जाए और एक ही ब्रांड अवेलेबल है, और इसकी इतनी भयंकर डिमांड हुआ करती थी कि अगर आपको HMT की वॉच लेनी है तो कई बार दिन और कई बार महीनों इंतजार करना पड़ता था, और की वॉच मिलती भी नहीं थी, तो टाइटन ने कहा भैया इतनी भयंकर डिमांड है, सप्लाई HMT कर नहीं पा रहा, मार्केट में गैप है, घुस जाते। तो टाटा ग्रुप ने प्लान किया, तो टाटा ग्रुप के जो ताज होटल संभाला करते थे जरक्सीज देसाई, उन्होंने कहा यार चलो कुछ कर दें। तो बैंगलोर में जो ताज होटल है वेस्टलैंड, उसी के एक छोटे से कमरे में बैठ के इन्होंने इस टाइटन की शुरुआत कर दी। लेकिन उसमें बहुत बड़ा पंगा था। बोले क्या भाई साहब, बोले इंडिया आपको पता है 91 से पहले बहुत बंधा हुआ मार्केट था, हर जिसको ओपनली खेलने की आजादी नहीं थी, तो या तो घड़ी की मैन्युफैक्चरिंग सरकारी कंपनी करेगी या फिर छोटे प्लेयर करेंगे, बड़े प्राइवेट प्लेयर को भैया आसानी से लाइसेंस मिलता नहीं था। तो टाटा ग्रुप ने कहा यार सीधे सीधे तो लाइसेंस मिलेगा नहीं, एक काम करते हैं पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो टाटा ग्रुप ने JV किया टिडको के साथ। टिडको क्या था, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके साथ इन्होंने एक JV कर लिया। बोले थोड़े तुम पार्टनर थोड़े हम पार्टनर, चलो साथ में चालू करते हैं। अब क्योंकि सरकारी कंपनी है तो इनको वो टेंशन खत्म हो गई। अब ऐसा बात ऐसी है कि अगर मार्केट में नया घुस रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी USP होनी जरूरी है। अगर तुम भी वही माल बेचोगे जो दुनिया बेच रही है, तुम में कुछ अलग ही नहीं है, तो तुमसे लेगा कौन? तो टाटा ग्रुप से अच्छा इस चीज को कौन जानता है। तो टाटा ग्रुप ने कहा कैसे अलग हो, कैसे अलग हो। तो उस समय घड़ी बनाने की 2 टेक्नोलॉजी चलती है, एक होती है मैकेनिकल वॉच जो कि मशीन से ऑपरेट होती है, और एक होती थी क्वार्ट्ज वॉच। क्वार्ट्ज वॉच का मतलब है कि भैया वो बैटरी से चलती थी। तो उस समय मैकेनिकल का दौर था, HMT के 80% से ज्यादा जो घड़ियां थी वो मैकेनिकल थी, क्वार्ट्ज वो बहुत कम बनाती थी या बनाती नहीं थी। तो टाइटन ने कहा भैया आने वाला जो भविष्य है ना वो क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी का है, मैकेनिकल की तो लिमिटेशन होती है और क्वार्ट्ज की एक्यूरेसी भी बढ़िया है। तो उन्होंने क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी डेवलप किया और ये पहला मेजर चेंज था उनका HMT से। दूसरी चीज उन्होंने कहा यार HMT की जितनी घड़ियां आती है बोरिंग डिजाइन है, ले दे के वही 10-20-25 डिजाइन है और भारी भारी सी अंकल टाइप घड़ियां लगती है। टाइटन ने कहा एकदम है ना यूथ के लिए बनाते हैं, शानदार वाली, हल्की बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, ट्रेंडी बनाते हैं। तो टाइटन ने एक तो टेक्नोलॉजी बदली और एक घड़ी का स्टाइल बदला। अब JV तो हो चुका था, बातचीत हुई, फैक्ट्री लगाई होसूर में। अब बोले राहुल जी होसूर में काहे लगाई, कहीं और लगा देते। इन्होंने कहा भैया HMT का जो प्लांट है ना उसके 1 घंटे के रास्ते पे ही है, तो अगर वहां पे प्लांट लगाएंगे तो लेबर भी आसानी से मिल जाएगी, एम्प्लॉय भी आसानी से मिल जाएंगे, बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो वहां पे HMT के प्लांट के एकदम जरा सा पास में 1 घंटे की दूरी पे इन्होंने भैया फैक्ट्री लगा दी
और 87 में इन्होंने अपनी पहली घड़ी मार्केट में लॉन्च की। अब बात करते हैं भैया स्ट्रेटजीज की, इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगाई जिसकी वजह से रिटेल इंडस्ट्री में, आपको ऐसा लगेगा जो रिटेल आज की डेट में आप दुनिया में देख रहे हो ना कहीं इसमें टाइटन का योगदान है। इसने बहुत सारी चीजें ऐसी दी है जो अब हमको नॉर्मल लगती है, नॉर्मल ही तो है, टाटा के जमाने में नॉर्मल नहीं थी, टाटा ने चालू की उन चीजों को। तो उनमें से कुछ चीजें हैं, जैसे इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, डिस्ट्रीब्यूटर इनका माल रखने को तैयार नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हैं यार भैया हम तो HMT का माल रखते आए हैं और 90% मार्केट शेयर इनका है, तुम तो नया ब्रांड हो, तुम्हारा क्यों रखे माल। तो डिस्ट्रीब्यूटर राजी नहीं हो रहे। इनका अच्छा नहीं होते राजी, कोई बात नहीं, सीधे रिटेलर के पास जाएंगे। रिटेलर के पास जाने का फायदा क्या है, मैं 100 रुपए की घड़ी डिस्ट्रीब्यूटर को देता 120 की, डिस्ट्रीब्यूटर वो देता रिटेलर को 140 की। अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर को हटा दिया तो मैं तो सीधे जाके उसको घड़ी 120 की दे दूंगा, तो रिटेलर का मार्जिन बढ़ गया, तो उसको मजा आने लग गया, उसने कहा भैया टाइटन मैं रख लूंगा। तो पहली बाधा पार की। दूसरी स्ट्रेटजी आती है, चलो भैया रिटेलर में दुकानदार रखने को तो तैयार हो गया, कस्टमर को रिझाएं कैसे, कस्टमर को बुलाएं कैसे। तो उन्होंने कहा भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, वेस्टर्न मार्केट को स्टडी किया, इंडिया में घड़ी क्यों खरीदी जाती है, टाइम देखने के लिए, और क्या है, HMT की घड़ी टाइम देखने के लिए। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, वेस्टर्न मार्केट में घड़ी का एक यूज है स्टाइल के लिए, कि भैया कुर्ते के साथ अलग घड़ी, शर्ट के साथ अलग घड़ी, पार्टी की अलग घड़ी, वुमन की अलग घड़ी। तो इसने कहा कि भैया अपन है ना इसको फैशन स्टेटमेंट बनाते हैं, कि घड़ी देखने के लिए मत पहनो, फैशन के लिए पहनो, और घड़ी गिफ्ट में भी दुकान में आ सकती है। तो टाइटन ने इस तरह से मार्केट में प्रेजेंट किया खुद की घड़ी को, कि भैया ये तो गिफ्ट के काम आने वाली चीज है, अरे भैया ये तो फैशन वाली चीज है। जैसे आप नोटिस करोगे, एक माँ अपनी बेटी को ज्वेलरी ट्रांसफर करती है कि मेरे गले का हार था मेरी बेटी पहनेगी, उसी प्रकार बाप बेटे को घड़ी ट्रांसफर करता है कि मेरे पिताजी की घड़ी है मैं गर्व से पहनूंगा। उस मेंटेलिटी से उन्होंने कहा इसको गिफ्ट बनाते हैं और गिफ्ट को फोकस में रखते हुए मार्केटिंग चालू की। दुकान पे तो आपने घड़ी रखवा दी, भैया घड़ी को लेने आएगा कौन और कैसे, तो मार्केटिंग तो हम कर ही रहे हैं। उसके साथ हमने कहा हमारी स्टोर की डिजाइन भी यूनिक होगी। पहले क्या होता था, नॉर्मल सी छोटी सी दुकान है, बंदा बेच रहा है, वहां पे कोई AC नहीं है, लाइटिंग ठीक नहीं है, साफ सफाई नहीं है, अपना बेसिक तरीके से काम चल रहा है। इन्होंने जो बड़े बड़े शोरूम जो आज की डेट में देखते हो जहां लाइटिंग है, AC है, ये कॉन्सेप्ट टाइटन ने चालू किया था। तो टाइटन ने खुद के एक्सक्लूसिव शोरूम बनाए, उसमें AC की सुविधा दी, उन्होंने उसमें लाइटिंग की सुविधा दी, उन्होंने उसमें अलग अलग सेक्शन बनाए कि ये क्लासी वॉच है, ये फॉर्मल वॉच है, ये लेडीज वॉच है, ये जेंट्स वॉच है, ये किड्स वॉच है। तो धीरे धीरे करके अलग अलग सेक्शन बनाए ताकि आदमी आए और अपने पसंद की चीज ले ले। फिर कस्टमर का एक्सपीरियंस और बढ़िया कैसे करें, और बढ़िया करें, उसने कहा भैया हल्का हल्का मध्यम मध्यम म्यूजिक चलते रहना चाहिए, एक अलग तरह की फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, ये टाइटन ने पायनियर किया। फिर एक और चीज टाइटन ने कहा कि लोग बाग जब लेने आते हैं पार्किंग ही नहीं मिलती, तो स्टोर ऐसी जगह खोले जाएंगे मेन लोकेशन पे जहां पार्किंग की फैसिलिटी बहुत बढ़िया हो। फिर एक और चीज, इन्होंने रिटेलर की स्पेशल से ट्रेनिंग की, कि एक तो था घड़ी तो बेचनी है, दिखा दे बेच दे पसंद आएगी नहीं, बोले भाई साहब ग्राहक से पूछो ओकेजन क्या है, किस कारण लेनी है, किस रेंज में लेनी है, बंदे की रिक्वायरमेंट को देख के घड़ी सजेस्ट करो। तो भाई साहब एक पोलाइट सेल्समैन है, एक शानदार जगह है, अलग अलग चीजें हैं। फिर उन्होंने कहा अब क्या बाकी रह गया, बोले भाई साहब गिफ्टिंग के लिए माल जा रहा है ना, तो जो डिजाइन पैकिंग घड़ी की वो अट्रैक्टिव चाहिए, जिस थैली में वो लेके जा रहा है वो थैली अट्रैक्टिव चाहिए। ये छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया और टाइटन से घड़ी खरीदना एक तरह का सेलिब्रेशन बन गया, कि भैया टाइटन से घड़ी खरीदी है, एक बड़े ब्रांड की बात हो गई। तो टाइटन में धीरे धीरे लोगों के पैर पड़ने लगे और सेल उड़ने लगी। टाइटन ने एक चीज और इंटरेस्टिंग की, उन्होंने कहा यार घड़ी बेच रहे हैं तो घड़ी वालों से कंपेयर करना है ना, उसने कहा बाकी दुकानों से भी कंपेयर कर दे, देखो बाकी दुकानों पे कौन सी ऐसी चीज चल रही है जो हम भी दे सकते हैं। तो बाकी दुकानों जैसे कपड़े की दुकानों पे एक पॉलिसी है, पसंद नहीं आया तो 30 दिन में वापस दे देना, टाइटन ने कहा ये वाले हम भी काम में लेंगे। तो इंडस्ट्री में जहां जिस इंडस्ट्री की बेस्ट चीज मिलती उठा लाते। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, घड़ी तो लेके चले गए, घड़ी में कोई दिक्कत आ गई तो भाई साहब सर्विस कौन करेगा। उन्होंने कहा भैया सर्विस का सबसे बड़ा ध्यान, बल्कि उनका मोटो क्या था, टाइटन के जो टीम मीटिंग होती थी उसमें ओनर कहते थे देखो घड़ी ठीक करने वालों, तुम एक घड़ी ठीक नहीं कर रहे हो, टाइटन की रेपुटेशन ठीक कर रहे हो। तुम जितनी जल्दी और जितनी बढ़िया तरीके से घड़ी ठीक करके दोगे उतनी रेपुटेशन इंप्रूव होगी, तो प्लीज इस तरह से काम करो। तो टाइटन ने इंश्योर किया कि जहां जहां ये घड़ी बेच रहे हैं वहां वहां एक सर्विस सेंटर अवश्य हो। तो टाइटन ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज की डेट में टाइटन के 800 से ज्यादा सर्विस सेंटर है 250 से ज्यादा टाउन में, इतना बड़ा सर्विस नेटवर्क किसी भी वॉच कंपनी का नहीं है। अब हम बात करेंगे कि भैया टाइटन ने अपनी सेल्स इंक्रीज कैसे की, घड़ियां सब बेच रहे थे वो भी बेच रहे थे,
ऐसा क्या किया कि भैया इतनी भयंकर ग्रोथ? सेल्स में ग्रोथ हुई तभी तो शेयर में ग्रोथ दिखी। जब शेयर में 61,000% की ग्रोथ हुई है, सेल में कुछ तो हुआ होगा। तो वो टिप्स देने से पहले आपको एक बढ़िया टिप देता हूँ कि आप अपनी मनी को, आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे ग्रो कर सकते हो। हम सब एक चीज जानते हैं कि भैया अपने को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो डाइवर्सिफाइड करना है, सारे पैसे एक ही जगह मत लगा दो ताकि वो पूरा शेयर डूबा तो सब कुछ डूब गया। तो हम क्या अलग अलग कंपनीज में लगाते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में लगाते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप जियोग्राफी भी अलग अलग कर लो ना। इंडिया के स्टॉक में सारा पैसा लगा रहे हो, इंडिया में ग्रोथ है, यूएस के स्टॉक में भी लगा लो। अब आप बोलोगे सर जी यूएस के स्टॉक लगाने पंगा है, हम कैसे लगाएं यूएस के स्टॉक में, हमको तो आता ही नहीं है। टेंशन मत लो, एक ऐप है INDMoney मनी ऐप, वो आपको फैसिलिटी देता है कि आप इंडिया में बैठे बैठे इस ऐप की सहायता से यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। राहुल जी यूएस के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का फायदा है? हाँ भैया, दो फायदे। पहली बात तो फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग होती है। ये क्या होती है, देखो इंडिया में अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है तो मिनिमम एक तो खरीदना पड़ेगा, यूएस में जरूरत नहीं है। आपने कहा मेरे को तो 0.10 शेयर खरीदना है, 0.25 खरीदना है, तो भी खरीद सकते हो। पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा क्या है, जैसे भी आप देख रहे हो कि धीरे धीरे रुपया गिर रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। 2011 में बात करो 44 रुपए का था, आज 82 रुपए चल रहा है। तो भैया ये जो डॉलर की वैल्यू बढ़ी है, इसका बेनिफिट आपको इन्वेस्टमेंट में वैसे ही मिल जाएगा। तो डॉलर का बेनिफिट मिलना ही मिलना है, ये 10 सालों से हो रहा है और अगले 10 साल भी होना तो यही है। तो फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, डॉलर का फायदा। बोले सर क्या सही समय है? देखो इस समय यूएस में इन्फ्लेशन चल रहा है, धीरे धीरे मार्केट करेक्ट हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर गिरे पड़े, तो इस समय अगर उन कंपनीज के शेयर खरीदते हो तो जब ये इन्फ्लेशन का दौर गुजर जाएगा, ये मार्केट धीरे धीरे वापस उठेगा, उस समय अपन गेन कर लेंगे, तो दिस इज द राइट टाइम। अब आप बोलोगे राहुल जी ये तो स्टॉक खरीदना है तो कुछ कमीशन लग जाएगा क्या, ब्रोकरेज चार्जेस लग जाएगी क्या? भाई साहब INDMoney मनी ऐप पे कोई कमीशन नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपका इनिशियल अमाउंट जो भी आपको इन्वेस्ट करना है ट्रांसफर कीजिए और आपको 1,000 रुपए तक के अमेजन के स्टॉक्स आपको वहां पे फ्री में मिल जाएंगे। और फिर वहां पे आप चाहें तो SIP के जरिए भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर महीने कटता रहेगा, स्टॉक में इन्वेस्ट होता रहेगा। जब भी आपको लगता है ना कि भैया सेल कैसे बढ़ानी है, अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी बढ़ाओ। पहले टाइटन था, एक तरह की घड़ी बेच रहा था, इन्होंने कहा एक नया ब्रांड लॉन्च कर दें, ब्रांड लॉन्च किया सोनाटा। उन्होंने कहा यार एक लेवल से ऊपर के लोग तो ले लेते हैं, लेवल से नीचे के लोग नहीं ले पा रहे, क्या करें, कोई ऐसा ब्रांड लॉन्च करो जो वैल्यू फॉर मनी, जिसमें पैसे खर्च करें तो लगा भैया पैसा वसूल हुआ है। तो सोनाटा लॉन्च हुई थी 97 में और 6 महीने के अंदर अंदर ही 5 लाख से ऊपर घड़ियां बिक गई। तो जैसे ही नया ब्रांड लॉन्च किया, सेल अपने आप बढ़ गई। फिर उन्होंने कहा यार जो टॉप प्रीमियम वाले हैं, जो मोटा पैसा खर्च करना चाहते हैं, उनके लिए क्या करें, बोले ज़ाइलस करके एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, वो प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करेगा। तो जिसको सस्ता लेना है वो सोनाटा में आ जाओ, बीच वाले टाइटन है ही, ऊपर वाले ज़ाइलस में आ जाओ। फिर उन्होंने कहा यार ये तो अपन ने मेल मेल को किया, वुमन के लिए कुछ अलग करे क्या? बोले हाँ। तो टाइटन ने एक वॉच लॉन्च की रागा। अब रागा की ब्यूटी क्या थी, नॉर्मली क्या होता है एक मेल वॉच लॉन्च होती है उसी का छोटा वर्जन फीमेल होती है। बोले ये तो जोड़ा ऐसे ही चलता है। इन्होंने कहा नहीं 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 भाई साहब, स्पेशली वुमन के लिए डिजाइन हुई है और टाइटन रागा की ब्यूटी ये है, उसका कोई मेल वर्जन नहीं है, ये सिर्फ वुमन के लिए है, मेल का इसमें कोई लेना देना नहीं। अब टाइटन ने एक इंटरेस्टिंग चीज की, 4 साल की कड़ी मेहनत और R&D के बाद एक ब्रांड लॉन्च किया टाइटन एज, जो कि वर्ल्ड की सबसे स्लिम वॉच थी, सबसे पतली वॉच। इसको उस साल नेशनल अवार्ड फॉर R&D भी मिला। अब एक ही कैटेगरी में अलग अलग ब्रांड तो लॉन्च कर दिया, अब एक चीज और आती है। बोले क्या? बोले सर आजकल का यूथ क्या कहता है, क्या पापा का जमाना गया, मेरा जमाना क्या, टाइटन तो पापा के जमाने की चीज है, मुझे मेरे जमाने का दो। बोले बेटा तू भी तेरे जमाने का ले, वी लॉन्च फास्ट ट्रैक, अब तो भैया लड़के के लिए है। तो ये 2018 में इंडिया का लार्जेस्ट यूथ ब्रांड था इस कैटेगरी में। और इस ब्रांड का फायदा क्या हुआ, इस ब्रांड में वॉलेट भी निकले, बेल्ट भी निकली, घड़ियां भी निकली, कैप भी निकली, वुमन के बैग भी निकल गए, अपने आप में ही नई कैटेगरी बन गई। और आज की रेट में फास्ट्रैक के 164 से ज्यादा एक्सक्लूसिव शोरूम है जो सिर्फ फास्ट्रैक ही बेचते हैं। अब टाइटन ने कहा देखो भैया घड़ियां बेच ली, अलग अलग रेंज में बेच ली, अलग अलग लोगों को बेच ली, महंगी सस्ती बेच ली, फास्ट ट्रैक भी आ गया, अब क्या छोड़ा। बोले एक काम करें, चश्मे बेचे। उस समय 3,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट था प्रिस्क्रिप्शन का, जो नंबर के चश्मे आते हैं। टाइटन आई प्लस ने कहा इस मार्केट में कोई भी ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है, अभी लेंसकार्ट वाले भैया तो अब आए हैं, इन्होंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। तो उस मार्केट में लॉन्च किया और कुछ ही समय में 500 से ज्यादा एक्सक्लूसिव टाइटन आई प्लस के स्टोर हो गए और इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट चेन बन गई। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी पेट नहीं भरा, उन्होंने कहा एक मार्केट और बाकी है, परफ्यूम।
तो परफ्यूम का एक मार्केट है, इनका ब्रांड है स्किन नाम से, इन्होंने लॉन्च किया। कुछ साल रिसर्च की और पूरी बॉटलिंग फ्रांस से करवाई, क्योंकि इंडिया में कुछ रूल्स अलग होते हैं, तो फ्रांस की बॉटलिंग फ्रांस की ही फ्रेग्रेंस के एक्सपर्ट करके स्किन ब्रांड लॉन्च कर दिया और परफ्यूम के मार्केट में भी अपनी धमक बना रहे हैं। ये सभी ब्रांड्स धीरे धीरे करके ग्रो होते जा रहे हैं और आज की डेट में टाइटन का आपको स्केल बता दूं, ये वर्ल्ड का पांचवा सबसे बड़ा वॉच मैन्युफैक्चरर है। इसके पास 12 से ज्यादा फैक्ट्री है जो वॉच या वॉच कंपोनेंट बनाती है या उनको असेंबल करती है। टोटल इसके 2000 से ज्यादा स्टोर्स हैं और 19 लाख स्क्वायर फुट से ज्यादा की स्पेस ये बेचने में काम में लेते हैं और इनके एक्सक्लूसिव शोरूम है। इसके अलावा 11,000 से ज्यादा आउटलेट में ये वैसे भी बिकता है। तो ये थी टाइटन की कहानी। आपको समझ में आया कि भैया एक प्रोडक्ट से पकड़ो, पर जब ब्रांड बने तो दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, चौथे में जाओ, लोअर इनकम पे जाओ, हाई इनकम पे जाओ, वुमन में जाओ, मेल में जाओ, अलग अलग ओकेजन पे जाओ, तब जाके सेल बढ़ती है। और इतनी सेल होने के बावजूद एक बात बताऊं, टोटल सेल जितनी भी आपको मैंने बताई, ये टाइटन की सेल का मात्र 12% है। 88% तो है ज्वेलरी और वो है तनिष्क, और उसके बारे में डिटेल में जानना है तो अलग से वीडियो है, वहां पे जाओ और देखो तनिष्क में इन्होंने क्या धूम धड़ाके किए। इतने ज्यादा फैमिली ज्वेलर्स होने के बावजूद भी इन्होंने मार्केट में एंट्री की और आज 24,000 करोड़ की सेल कर रहे हैं। तनिष्क की स्टोरी आप देख सकते हैं और वो जो 1,000 के आपको स्टॉक बताए थे वो भूलना मत, ये INDMoney मनी ऐप है। इस ऐप को 65 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी काम में ले रहे हैं। अगली वीडियो टाटा मोटर, टाटा स्टील अगले वीक आएगी, तब तक के लिए भैया वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद।